द टेरेसे स्कूल में आपका स्वागत है। कक्षा 7 विषय विज्ञान पाठ 2 प्राणियों में पोषण के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा था पादपों में पोषण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बढ़ाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और गतिशीलता प्रदान करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की, अर्थात खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणी पौधों पर ही निर्भर रहता है। भोजन के अनेक संघटक हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण। हमने पहले भी पढ़ा था प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, विटामिन एवं खनिज लवण, ये सब हमारे पोषक तत्व हैं। इन सभी की आवश्यकता हमको होती है। ऐसे ही पेड़ पौधों में भी हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के बारे में। खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियाँ, अब हम खाद्य का अंतर्ग्रहण अर्थात खाद्य को ग्रहण कैसे करते हैं। सभी प्राणी खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। अब सब अलग अलग तरीके से अपना खाद्य ग्रहण करते हैं। जैसे हम मनुष्य है, मानव है, मुंह से खाद्य पदार्थ को खाता है, लेता है, जबकि मधुमक्खियां जो होती है पेड़ पौधों पे, तितली पेड़ पौधों पर बैठ करके फूलों का रस चूसती है, तो वो अपने खाद्य पदार्थों का ग्रहण कैसे करती है? चूस करके। और कुछ ऐसे होते हैं जो सांप वर्ग के होते हैं, रेप्टिलिया वर्ग के, वो अपना शिकार निगलते हैं। वो क्या करते हैं, अपना शिकार निगल करके काम में लेते हैं। वह चबाते नहीं है, सीधा उसको निगलते हैं। और हम लोग भोजन को कैसे ग्रहण करते हैं? चबा चबा करके खाते हैं। ऐसे ही आहार की इसलिए विधियाँ, अंतर्ग्रहण की विधियाँ हो गई, छीलना, छील करके खाना, चबा चबा कर खाना, काटना। कुछ जीव ऐसे, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो काट करके भी भोजन का ग्रहण करते हैं, और निगलना आदि। ये सब अंतर्ग्रहण की विधियाँ हैं, मतलब भोजन को ग्रहण करने की विधियाँ हैं। अब है मानव में पाचन। मानव में पाचन किस प्रकार होता है? आप ये आप देखते हो, हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। हम किसके द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं? मुँह के द्वारा। मुँह में जब हम भोजन डालते हैं तो उसको क्या सीधा ऐसे पच जाता है? उसको हमको चबा चबा करके खाना पड़ता है। चबा कर खाने के लिए हमको दांतों की आवश्यकता होती है। उसके बाद में भोजन मुख में जाने के बाद ग्रसिका में जाता है, उसके बाद आमाशय में, फिर अग्नाशय में, फिर बड़ियाँ छोटियाँ, फिर मलाशय मल द्वारा वह त्याग कर दिया जाता है। तो हम पढ़ेंगे मानव में पाचन किस प्रकार होता है। हम पहले भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर उसको चबा करके खाते हैं, फिर इसे पचाते हैं, फिर इसके पचाने का कार्य किया जाता है तथा फिर इसका उपयोग करते हैं। ये हम आगे के टॉपिकों में पढ़ेंगे कि इसको किस प्रकार पचाते हैं, किस प्रकार भोजन का आगे उपयोग किया जाता है। अभी सिर्फ ये बता रहे हैं कि कैसे कहाँ कहाँ भोजन पहले जाता है, उसके बाद उसका उपयोग कैसे किया जाता है, फिर सबका अलग अलग वर्णन पढ़ेंगे। आहार नाल तथा स्त्रावी ग्रंथियाँ संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती है, अर्थात आहार नाल और स्त्रावी ग्रंथियाँ मिलकर के मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती है, अर्थात भोजन को पचाने का कार्य करती है। इसमें सबसे पहले आता है मुख गुहिका, जो मैंने अभी आपको बताया, मुँह के अंदर जाता है। उसके बाद भोजन नीचे ग्रसिका नली में जाता है, फिर आमाशय में, फिर क्षुद्रांत में, मतलब छोटी आंत, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत में जाता है। उसके बाद भोजन वृद्धांत्र में जाता है, अर्थात बड़ी आंत में जाता है। उसके बाद मल द्वार में, मल के द्वारा त्याग कर दिया जाता है। जो पोषक तत्व हमारे शरीर में काम आते हैं वो हमारे वो शरीर को पहुँच जाते हैं। उसके बाद जो अपचा भोजन होता है वो मलाशय के द्वारा त्याग दिया जाता है। फिर पाचक रस स्त्रावित करने वाली ग्रंथियाँ, पाचक रस स्त्रावित करने वाली ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती है? एक तो लाला ग्रंथि, दूसरा यकृत, तीसरा अग्नाशय। ये तीनों मिलकर के क्या करती हैं?
पाचक रस का निर्माण करती है। सब में अलग अलग पाचक रस का निर्माण होता है, ये आगे हम एक एक पॉइंट अलग से लेंगे उसमें बताएंगे। आमाशय की भित्ति एवं शुद्रांत्र की भित्ति भी पाचक रस स्रावित करती है। तो हमने आज पढ़ा प्राणियों में पोषण किस प्रकार होता है, किस प्रकार होता है, सभी जीवों में वृद्धि करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए और हमारे शरीर को गति प्रदान करने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। उसमें ये खाद्य पदार्थों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं अन्य खनिज लवणों का होना आवश्यक है। अब आपने देखा होगा सब अलग अलग तरह से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, विभिन्न जीवों को भिन्न भिन्न तरीके से भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे मधुमक्खी पौधों का मकरंद चूसती है, तितली भी क्या करती है, पौधों का मकरंद चूसती है, सांप वर्ग के जो जीव होते हैं वे अपना शिकार निगल जाते हैं, वह सीधा निगलते हैं मुंह में, चबाते नहीं हैं। आहार की विधियां हमने मैंने बताई, छीलना, काटना, चबाना और निगलना। जैसे चील क्या करती है, एकदम झपट्टा मार करके उस भोजन को काट करके फिर खाती है। मानव में पाचन के अंतर्गत बताया मैंने कि मनुष्य भोजन को कहाँ मुख के द्वारा ग्रहण करता है, फिर उसको चबा चबा कर खाता है, फिर लाला ग्रंथियाँ जो होती है उसको में जो रस होता है वो उसको पचाने का कार्य करते हैं। आहार नाल तथा स्त्रावी ग्रंथियाँ भी संयुक्त रूप से मानव में पाचन तंत्र मतलब पचाने का कार्य करती हैं, जिसमें मुख गुहिका होती है, ग्रसिका होती है, आमाशय, शुद्रांत, वृद्धांत और मलद्वार होता है। और पाचक रस स्रावित करने वाली तीन प्रकार की ग्रंथियां बताई, लाला ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। आमाशय की भित्ति और शुद्रांत की भित्ति भी पाचक रस को स्रावित करती है। ये आपको लिखना है कॉपी के अंदर और किताब खरीद के पाठ पढ़ना है, उसमें भी ये चित्र दिए हुए हैं जिसमें ये मुख गुहिका, ग्रसिका, आमाशय, शुद्रांत, वृद्धांत का वर्णन की चित्र बना हुआ है। फिर मैं कल बताऊंगी एक एक का अलग अलग वर्णन किस प्रकार से मुख क्या कार्य करता है, दांत किस प्रकार कार्य करते हैं। धन्यवाद।